सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। आज की इस वीडियो में मैं अपने फेडो एसएमपी से बहुत ज्यादा दूर आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे रिसेंटली पता चला था कि हमारे माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में हीरो ब्रांड का एक सीक्रेट अड्डा है, मतलब सीक्रेट बेस है। तो उसी वजह से मैं फेडो एसएमपी से बहुत ज्यादा दूर आ चुका हूँ, पर आखिरकार मुझे हीरो ब्रांड का सीक्रेट अड्डा मिल चुका है, जो कि है इस गांव के अंदर। सो अभी तो रात का टाइम हो चुका है, इससे पहले हम लोग सो जाते हैं, क्या पता उस अड्डे में बहुत ही खतरनाक चीज हो, इससे पहले सो जाते हैं। सो अभी सुबह हो चुकी है, अब बारी आ चुकी है हीरो ब्रांड के सीक्रेट अड्डे पे जाने के लिए। तो हीरो ब्रांड के सीक्रेट अड्डे पे जाएंगे, उससे पहले हम यहाँ पे कुछ हेबल से वो ले लेते हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको हीरो ब्रांड का सीक्रेट अड्डा, जो कि उस तरफ है। तो फटाक से चलते उस तरफ। भाई क्या शानदार लग रहा है, ये गेट की क्या है मुझे पता नहीं, मैं अभी तक इसके अंदर गया नहीं हूँ, फिलहाल अब पहली बार जाने वाला हूँ, पर मेरे को तो इसके अंदर जाने से डर लग रहा है, इसके अंदर जाके देखते। ओ भाई, यहाँ पे इतने बड़े बड़े पोर्टल्स है और यहाँ पे बहुत सारी क्राइंग ऑक्सीडियन और नीचे भाई खतरनाक सा लावा है, शायद हमें इसके अंदर जाना पड़ेगा। वो नीचे एक रेल की पटरी है भाई, ये यहाँ पे काट रहेगा। सो अभी यहाँ से सीधा जाएंगे हीरो ब्रांड के अड्डे पे, मेरे को पता नहीं उसका अड्डा कैसा होने वाला है, फिर भी जाके देखते हैं। भाई ये रहा हीरो ब्रांड का सीक्रेट अड्डा, जाते ही डर लग रहा है, फिर भी मैं जाऊंगा, क्या पता भाई कुछ खतरनाक हो इसके अंदर। वो यहाँ पे बहुत सारे वैसे ही पोर्टल बने हुए। भाई यहाँ पे बहुत सारी हीरो ब्रांड की तस्वीरें हैं, भाई इसमें ऐसा लग रहा है कि स्टीव हीरो ब्रांड बन रहा है, मुझे पता नहीं ये क्या है, पर ये बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। ओ भाई यहाँ पे खतरनाक खतरनाक इमेजी से हीरो ब्रांड के, ये क्या है, यहाँ पे हीरो ब्रांड सिगरेट पी रहा है। यहाँ पे और भी इमेजी से, भाई ये तो हीरो ब्रांड नहीं, ये तो मुझे होगा लाला दिख रहा है, क्या पता इन लोग पार्टनरशिप में। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक इमेजेस है, ये इमेजेस से पता चल चुका है कि ये जो बेस है वो हीरो ब्रांड का ही है। भाई यहाँ पे पूरे हीरो ब्रांड ने फोटो शूट करके रखा है, भाई क्या ही क्रेजी क्रेजी फोटो डाला है। और यहाँ पे एक रास्ता है और यहाँ पे कुछ लिखा भी है, वॉन्ट टू बिकम मेंबर ऑफ हीरो ब्रांड इवल ग्रुप। हाँ भाई बनना चाहते भाई, इफ यू ज्वाइन द ग्रुप यू गेट पावर्स ऑफ हीरो ब्रांड। क्यों बेटे मन में लड्डू फूटा, अगर हम इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो हमको पावर मिलेगा हीरो ब्रांड की। इफ यू वांट टू ज्वाइन द ग्रुप देन प्रूव इट। हाँ यहाँ पे एरो दिखा रहा है, शायद हमें यहाँ पे जाना होगा, यहाँ पे एक दरवाजा है, पता नहीं अंदर कुछ क्रेजी क्रेजी चीजें निकल सकती है, देखते ऊपर जाना है भाई, ऊपर जाते भाई देख सकते हो बेडरॉक है यहाँ पे, कहीं नहीं भाई इसके अंदर एक बेडरॉक रखा हुआ है, जो कि मैं रख रहा हूं अपने पास, मुझे बेडरॉक मिल चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे एक बो और एक ही एरो है, एक एरो से क्या कर लेंगे हम। और यहाँ पे है एक और चेस्ट, और भाई इसके अंदर सारे के सारे डायमंड की चीजें भरी हुई है, ये खतरनाक चीज दे दिया है हीरो ब्रांड ने मेरे को। सो यहाँ पे हम पूरे डायमंड से कवर हो चुके हैं, और यहाँ पे और भी कुछ दिखाई देने को मिल रहा है, वहां चलते हैं। भाई यहाँ पे शायद बेड इसलिए रखा है कि यहाँ पे रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट कर सके, भाई यहाँ पे रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट किया हमने। और भाई यहाँ पे पूरा पार्कोर बना हुआ है, और इसके टोटम, भाई टोटम मिल गया भाई इसके अंदर से, भाई इसको भी रख लेंगे, इसको हाथ में लेके रखेंगे। भाई पता नहीं कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग हीरो ब्रांड के सीक्रेट बेस में है, और मुझे लगता है वहां पे भी शायद तीन चेस्ट है जिसके अंदर कुछ ना कुछ खतरनाक रखा ही होगा, उसके लिए हमें ये पार्कोर को पार करना पड़ेगा। वैसे ये कितना बड़ा है ये तो देख लो, ओ भाई क्रेजी, बहुत ज्यादा बड़ा पार्कोर है भाई, और खतरनाक भी। तो यहाँ से जाएंगे, ओ भाई भाई गिरना नहीं है भाई, गिरना नहीं है भाई, कर लेंगे भाई, ये इजी है, बहुत इजी है। और ये लास्ट का थोड़ा हार्ड लग रहा है। ओ ओ ओ भाई 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 भाई, भाई कैसे 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 बचे भाई, अभी यहाँ पे मरते ना, हमें फिर से पार्कोर करना पड़ता। फिलहाल यहाँ पे से चेस्ट में से हम सामान ले लेते, जो कि है नेदरराइट का हेलमेट, और भाई नेदरराइट की चेस्ट प्लेट,
ओ भाई सही है ये तो भाई, नेदरराइट के बूट्स। ओ के यहाँ पे हमें इतनी सारी चीजें मिल चुकी है जो कि हमें फ्री में हीरो ब्राइन ने दिए, जो कि बहुत मेहनत से मिलती है भाई, जो कि हमें फ्री में मिल गई है। मैं तो पक्का हीरो ब्राइन का टीम ज्वाइन करने वाला हूँ भाई, क्या ही क्रेजी आइटम दे रहा है। पहले तो इसने टोटम दिया, उसके बाद नेदरराइट की पूरी चीजें दे चुका। एक और पार्कर आ चुका जो कि पूरे चेन का, ये बहुत ही चिंदी सा पार्कर है भाई, इसको पता नहीं हम बहुत बड़े प्रूव करके। ओ भाई आराम से क्रेजी भाई, यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा बेडरॉक का घर बना हुआ है भाई। हमें अभी तक सिर्फ एक बेडरॉक मिला है और भाई हीरो ब्राइन ने पूरा बेडरॉक का घर बना लिया है। यहाँ पे भी पार्कोर है, मुझे लगता है वो दरवाजे के अंदर बहुत ही ज्यादा औसम चीजें रहेंगी जैसे कि अभी हमें मिली है। ये वाला थोड़ा हार्ड लग रहा है, देखते कर पाते। भाई कर लिया इसे भी कर लेंगे भाई, ये पार्कोर बहुत ज्यादा इनसेन है। अरे हमारे पास नेदरराइट है भाई, टेंशन ही नहीं भाई, मतलब ये हीरो ब्राइन हमको मारना बिल्कुल नहीं चाहता है। जैसे कि मैं दो बार गिर चुका हूं, पर मुझे इसने पहले तो डायमंड की चीजें दी, उसके बाद नेदरराइट का चीजें दी। तो आखिरकार मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ जो कि है बेडरॉक का बहुत बड़ा सा कमरा भाई। मैं बेडरॉक में बंद ना कर दे मुझे ये हीरो ब्राइन, बस इस बात की टेंशन है। इसके लिए मैं पहले नहीं जाने वाला, मैं चेक कर लूंगा भाई यहाँ पे कोई ट्रैप तो नहीं है भाई खतरनाक वाला। ओके और भाई इस बेडरॉक के कमरे में यहाँ पे चार दरवाजे भाई, ये दरवाजों को खोल के देखते भाई। भाई यहाँ तो पूरा लावा ही लावा भरा हुआ है। अभी यहाँ पे एक और चेस्ट मिल गया है जिसमें है ब्लेज रॉड 32। तो भाई ये क्या देखने को मिल गया, डायमंड क्रीपर स्पॉन एग। भाई यहाँ पे जो हम लोग को डायमंड क्रीपर स्पॉन एग मिला है वो भी पूरे 63 मिल चुके हैं। इसको स्पॉन करके देखेंगे क्योंकि ये अतरंगी चीज दिखने को मिल रही है भाई। वो फटने वाला है। ओ भाई इसने कितने सारे डायमंड दे दिए, मतलब ये क्रीपर को फोड़ने से हम लोग को अनलिमिटेड डायमंड मिलने वाले भाई। अभी तो डायमंड की कभी कमी नहीं होने वाली है। वो हमारे पास 62 है जो हमें हीरो ब्राइन ने दिया है, पता नहीं इतनी सारी चीजें क्यों दे रहा है। और इस दरवाजे को खोल के देखते हैं, यहां से फिर से एक ट्रैप है, वहां पे भी एक चेस्ट है भाई। ओके अभी तो हम पार्कोर के किंग बन गए भाई, पार्कोर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वो बच गए। इसके अंदर क्या है, मोल्टन क्रीपर स्पॉन एग भाई, इसे हम बाद में ट्राई करेंगे। और एक नेदरराइट की सॉर्ड मिल चुकी है भाई, और यहाँ से हम जा सकते हैं इजीली ऊपर। यहाँ पे भी चेस्ट है जिसके अंदर मेरे को लगता है फिर से कोई क्रेजी आइटम रहेगी भाई। भाई इसके अंदर है ट्राइडेंट भाई, कितनी मुश्किल से मिलती है, और ये भाई हीरो ब्राइन को फ्री में दे रहा है, इसको ले लेते। लावा बकेट हीलिंग क्रीपर स्पॉन एग, आयरन क्रीपर स्पॉन एग। भाई ये कहाँ से ला रहा है ऐसे खतरनाक क्रीपर। और है यहाँ पे लाइटनिंग क्रीपर स्पॉन एग, हमें यहाँ से शायद वाटर बकेट का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ ओके भाई, और यहाँ पे कुछ लिखा है डिस्ट्रॉय द विलेज विद कस्टम क्रीपर। कस्टम क्या ये वाले क्रीपर्स की बात कर रहा है, और ये चेस्ट में क्या है। ओ भाई यहाँ पे और भी सारे क्रीपर से, इंचेंटिंग क्रीपर, लाइटनिंग क्रीपर, एंडर क्रीपर, एक्वेशियस क्रीपर, मूटेंट क्रीपर और टीएनटी क्रीपर, सारे क्रीपर को रख लेंगे भाई। जैसे कि हीरो ब्राइन ने हमें इतनी सारी चीजें दी, नेदरराइट के पूरे कपड़े दिए, ट्राइडेंट दी, और भी बहुत कुछ दिया, हमें टोटम भी दिया भाई, जो कि क्या क्रेजी चीज है, तो हमें उसका काम भी करना पड़ेगा। तो अभी हमने इतनी सारी चीजें ले ली तो हमें हीरो ब्राइन की बात तो माननी पड़ेगी। तो चलते भाई उस विलेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो हम लोग विलेज में तो आ चुके हैं, पर हम इस विलेज को सुबह सुबह डिस्ट्रॉय करेंगे, उससे पहले हम सो जाते हैं। सो यहाँ पे सुबह हो चुकी है, अब बारी आ चुकी है इस विलेज को डिस्ट्रॉय करने की। मैं पहले अपना खाना खा लेता हूँ भाई, मेरे हार्ट बहुत ही कम है भाई। यहाँ पे लोग पप्पी शप्पी कर रहे हैं भाई, इन विलेजर्स को पता भी नहीं अभी इनके साथ होने क्या वाला है। सबसे पहले हमने तो वैसे डायमंड क्रीपर को देख लिया भाई, ये तो उल्टा माला माल कर देगी, तो हमें डायमंड क्रीपर का इस्तेमाल नहीं करना है, हम लाइटनिंग क्रीपर का पहले इस्तेमाल करते। ऊपर ये क्या करते भाई, ओ भाई ये बहुत ही इंसेन चीज है भाई, ये वाले क्रीपर इंसेन है भाई, इससे इजीली विलेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा भाई। अभी हमारे पास है टीएनटी क्रीपर स्पॉन एग भाई, इसको भी ट्राई करते। ओ भाई ये देखो कितना क्रेजी चीज कर रहा है भाई, ये तो एक ही बार में सारे विलेज को खत्म कर देगा। ओ भाई ये देखो भाई, ये एक बार में 10-10 टीएनटी निकाल रहा है भाई, इसको सबको हम लोग एक साथ में अगर स्पॉन करें तो।
वो देखो, ये देखो भाई पूरी बारिश कर दी टीएनटी की। वैसे हमने विलेज को उड़ा दिया और आ चुका है हीरो ब्राइन की टीम में, पता नहीं अभी क्या होने वाला है। तो अभी वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना।